ये एक मुद्दा बन गया है यूरिया को लेकर, और सरकार जो है वो केंद्र पर आरोप लगाती है कि केंद्र से जो है वो। इससे समझ में आता है कि प्रशासन क्या होता है। आप सब जानते हैं कि यूरिया की शॉर्टेज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब होती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हम लोगों ने मैनेजमेंट किया, पहले यूरिया खरीदा, फिर यूरिया खरीदने के लिए किसानों को लोन भी दिया कि आपके पास यदि फसल नहीं आई है उसके पहले आपको यूरिया खरीदना है तो आप सोसाइटी से लोन ले सकते हैं और यूरिया खरीद लें समय से पहले। तो समय से पहले स्टॉक करना, फिर किसान को परचेज करने की पावर देना, ये मैनेजमेंट था सरकार का। अभी मैनेजमेंट कमलनाथ जी के पास है नहीं और इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यूरिया बांटें। अरे भाई कर्जे माफ नहीं कर रहे हो, कम से कम किसानों को यूरिया तो समय पर दे दो, पर समय पर यूरिया नहीं दे पा रहे हैं और किसान यदि आंदोलन कर रहे हैं तो उनको डंडा दिखा रहे हैं। कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार अपने वालों के साथ कालाबाजारी। 100% जब शॉर्टेज होती है तो कालाबाजारी होती है और उसमें सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी हो रही है। ये किसानों का आरोप, मेरा आरोप नहीं। कांग्रेस